अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस बाय शबाना शेख। जायका हाउस में आज हमें एक बहुत ही इजी डेजर्ट बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं और आसानी से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो घर में ही आपको मिल जाएंगे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और ये इतने टेस्टी होते हैं कि जैसे ही आप इसको मुँह में रखेंगे ये भूल जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहले हम अपना ट्रे जो है वो उसको रेडी कर लेंगे जिसमें हम टर्किश रोल को सेट करेंगे। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से इसको पहले हम ग्रीस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो ऑयल से इस तरह से हमको ग्रीस कर देना है और इसके बाद हम इस पर डालेंगे ये डेसिकेटेड कोकोनट, यानी ये खोपरे का पाउडर है। इसको हम इस तरह से डाल देंगे। तो कोकोनट भी मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि थोड़ी देर ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। और अब हम इसका कस्टर्ड रेडी कर लेंगे। कस्टर्ड रेडी करने के लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर दूध। कोई भी दूध आप ले सकते हैं, डिब्बे वाला ले सकते हैं, फ्रेश दूध जो आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आधा लीटर ले लिया है। और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून मैदा, 4 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे इसमें हम, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। और इन सब चीज़ों को हम पहले 5 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट मैंने इसे मिक्स किया है, फिर उसके बाद मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है। और अब मैं इसको कुक कर रही हूँ। इसी तरह से विस्कर से हमें चलाते हुए इसको कुक करना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं आप, ये थिक हो चुका है। जब ये इस तरह का हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ किस। बहुत ज़्यादा ये रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये थिक भी ना हो। इस तरह का जब हो तो फ्लेम को कर देना है हमें बंद और इसको हम पोर करेंगे अपने ट्रे पर। अब हम कस्टर्ड को इस ट्रे के ऊपर, हम जो ये डेसिकेटेड कोकोनट हमने डाला है इसके ऊपर पोर करेंगे। बहुत ज़्यादा थिक लेयर भी आपको नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं लगाना है। तो कस्टर्ड इस पर मैंने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं होनी चाहिए वरना जब हम इसको रोल करेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाता है। और जो अगर बहुत पतला लेयर होता है तो वो रोल नहीं होता है, इसलिए मीडियम आपको रखना है। बहुत ज़्यादा ना थिक रखना है ना थिन रखना है। तो इसको अब मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने एक बोल में ले लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और इसमें मैं 3 टेबल स्पून भर के डालूँगी कोको पाउडर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसको मैं कर लूँगी बीट। इतना बीट करूँगी कि ये फ्लफ़ी हो जाए। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और ये हाथ में बिल्कुल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये लग नहीं रहा है। अब इसके ऊपर हम जो ये चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम हमने रेडी की है इसको स्प्रेड करेंगे इस तरह से। तो क्रीम को मैंने स्प्रेड कर दिया है। बहुत ज़्यादा थिक लेयर आपको नहीं लगाना है क्रीम की। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जो क्रीम है वो भी सेट हो जाए। तो क्रीम भी हमारी सेट हो चुकी है, मैंने इसे निकाल लिया है फ्रिज से। इसकी अब हम कर लेंगे कटिंग। कटिंग आप अपने हिसाब से कर लेंगे जितना बड़ा छोटा आपको चाहिए। तो कटिंग मैंने कर ली है, इसको अब हम इस तरह से रोल करेंगे। एक स्पैचुला ले लेंगे आप और उसको इस तरह से हम रोल करते जाएंगे।
इसको मैं रखूँगी एक ट्रे में। बहुत ही इसको आराम से आपको रोल करना है। इस तरह से स्पैचुला से आप करेंगे तो आसानी से हो जाता है ये। तो इस तरह से मैं रोल करती हूँ और सारे जो मैं डेज़र्ट है ये निकाल लेती हूँ। तो रोल हमारे जो टर्किश रोल है वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर में नहीं बनाना है तो व्हिपिंग क्रीम में आप कोको पाउडर नहीं डालेंगे, ऐसे ही व्हिप करके उसको स्प्रेड कर देंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो इस तरह से बनाइए, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आधा लीटर दूध में अच्छे खासे बन जाते हैं और बहुत ही इजी भी है, बहुत मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। घर में जो रखी हुई चीज़ें हैं उनसे बन जाती हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा इस पर मैं ऊपर से चॉकलेट सॉस ग्रिजल कर रही हूँ। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।